जैसे आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको टैक्सी वाले दिख जाएंगे। भाई देखिए यहाँ पे इतनी भयंकर लाइन लगी है। अगर आप वीक ऑफ में नहीं, टैक्सी मिलती है 200 रुपए सीट में, 200 रुपए। अब तो धनीदाल को सब आदमी भूल गया जी, कैंची धाम ही आया सीधे कोई भी ट्रेन। और फ्रेंड्स ये है गुरुदेव आवासीय कल्याण समिति कैंची धाम, और मुझे पता चला कि यहाँ पे गुफा भी है शिव जी की। यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। ऐसे करके चलना पड़ रहा है यहाँ पे कृपा कर भाई, रास्ता बहुत खतरनाक है। मैंने जल भर लिया, मैं बाबा जी चलाने वाला हूँ। 800 रुपए का एक बेड है। जयकु 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 जयकु। व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अब हमारा दूसरा सफर स्टार्ट होने वाला है, यानी कि नीम करोई बाबा मंदिर की यात्रा यानी कैंची धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से बस भी जाती है और कार भी जाती है, जीप भी जाती है। तो वहाँ से जीप लेके हम जाएंगे सीधा कैंची धाम की यात्रा पे। यहाँ से जैसे आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको टैक्सी वाले दिख जाएंगे जो आपको कैंची धाम के लिए ऑफर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टैक्सी, जो भी आप लेना चाहें, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी जो भी लेना चाहें वो सारी मिलती है। भैया कौन कौन सी गाड़ी मिलती है यहाँ से कैंची धाम के लिए? इनोवा, टवेरा, शेयर टैक्सी मिलती है 200 रुपए सीट में। 200 रुपए सीट मिलती है? अच्छा, बुकिंग का अलग होता है, सीट का अलग होता है? तो बुकिंग भी कर सकते हैं। बुकिंग हमारा 2200 रुपए का रेट है प्रीपेड का। कितना किलोमीटर भैया यहाँ से वहाँ कैंची धाम? 40 किलोमीटर है। टाइम कितना लगता है? डेढ़ घंटा लगता है। अच्छा 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 अच्छा। अगर नैनीताल होकर जाती है कि डायरेक्ट जाती है? ये डायरेक्ट जाती है वाया जुलीकोट होकर। अच्छा अच्छा अच्छा, रिटर्न भवाली आना पड़ेगा। भवाली सेंटर प्लेस है। हाँ। वहीं से कैंची धाम है, वहीं से नैनीताल है, वहीं से मतलब सेंटर प्लेस भवाली हुआ। अच्छा, सेंटर प्लेस भवाली हुआ। ओके, अपना फोन नंबर बता दो इस पे अगर कोई आपको कॉन्टेक्ट करना चाहे तो। 7192-32654। अच्छा, तो दोस्तों इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते भाई को। और कैंची धाम की यात्रा कितनी देर लगेगी हमें पहुंचने में? तो दोस्तों हमको मिल गई टवेरा जो चला रहे हैं हमारे भाई साहब, तो निकल चुके हैं यहाँ से। लगभग 1.5 घंटे लगेगा भैया? 1.5 घंटे। तो डायरेक्ट कहीं रुकती तो नहीं ना? डायरेक्ट जाती है ना वहाँ पे? क्या नाम भैया आपका? जीवन जी। और यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर बताया ना भैया आपने, लगभग 35 किलोमीटर यहाँ से है कैंची धाम। और वो तो वहीं पे रोड पे ही है ना, वहाँ से जाना नहीं पड़ता ना कहीं पे? अभी मेन रोड में ही गेट है। अच्छा, दर्शन करो। वहाँ वैसे पूजा होती भी नहीं ना? पूजा नहीं होती, प्रसाद खाली खुद चढ़ाई, इंसान चढ़ाए बस। कोई नहीं, प्रसाद देके प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद वापस जा रहा है। कोई पंडित जी भी नहीं रहता वहाँ पे, ऐसा कुछ सीन नहीं। कोई पूजा वाड़ नहीं, बस खाली दर्शन करें बाबा जी के। आ गए आप यहीं के लोकल है भैया? यहाँ के लोकल। अच्छा, बताइए कुछ कैंची धाम के बारे में, कुछ आप जानते हो कुछ? बिहार में तो जब हम क्या बताएं जी, वहाँ तो चमत्कार ही हो रहा है। जैसे वो तो हम जानते ही हैं भाई ना, लेकिन कुछ बारीकी तो आप भी जानते होंगे। हाँ भाई, ऐसा कुछ स्पेशल कब से ये फेमस है ऐसा कुछ? सर फेमस तो ये जब तो बहुत, हमें भी नहीं मालूम कब से है। अच्छा, मगर अब जो लोगों के संग में चमत्कार हुआ तो ये कम से कम 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने आजकल एकदम से हुआ है। अब तो धनीदाल को सब आदमी भूल गया जी, कैंची धाम ही आया सीधे कोई भी ट्रेन में, कोई भी चीज में सवारी आ रही सीधे कैंची धाम। अच्छा, धनीदाल को भूल गया। गाड़ी देख रहे हैं तो कुछ बंदों की जो ना तभी थोड़ा हो गई, जैसे पहाड़ी सफर यहाँ से रूट, पहाड़ी रूट स्टार्ट हो गया है तो ऐसा जिग-जैग सा है तो थोड़ा तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने स्ट्रीट अपनी स्वैप कर ली, मैं आगे बैठा था ब्लॉगिंग की, तो मैंने उनको बोला तुम आगे चले जाओ, मैं पीछे जाता हूँ। इस तरह से हम आ रहे हैं। और जी भाई आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो रही ना? नहीं, मेरी नहीं। ठीक, वहाँ पे देखो बंदों की तबीयत खराब हो रही है और विश्वास नहीं है, 2-3 बार आगे लोग यहाँ। हाँ, जब मनोकामना पूर्ण होती तभी तो आते, कुछ श्रद्धा है। तो दोस्तों ये है सलड़ी, सलड़ी छोटा सा स्टेशन है यहाँ पे। देखना चाय कॉफ़ी आप पी सकते हैं, अगर आप काठगोदाम से आ रहे हैं तो चाय पी के यहाँ रुक सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं कैंची धाम मंदिर में। आप सामने देख रहे हैं, यह है कैंची धाम बाबा का मंदिर, यानी कि नीम करोली बाबा जी का मंदिर।
और हमारी यात्रा का जो डेस्टिनेशन था फाइनली हमको मिल गया है और बहुत ही आनंदित हो रहा है। मेरा मन बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि फाइनली मुझे यहाँ आने का मौका मिला जो मेरे दिल में कब से था। और ये नीचे देख रहे हैं, ये शिप्रा नदी बह रही है और ये ब्रिज उसके ऊपर इस तरह से सब सिस्टम यहाँ पर है। और ये है बाबा का मंदिर और हम जा रहे हैं आज क्योंकि संडे तो काफ़ी भीड़ भी है, देख सकते हैं बहुत भीड़ है। और अभी यहाँ पे प्रसाद लगी, यहाँ पे प्रसाद की दुकानें सब कुछ यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं। और यार बहुत भीड़ है आज यहाँ पे क्योंकि संडे का दिन है और दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, पंजाब चंडीगढ़ गाड़ियाँ हमको दिख रही हैं, हरियाणा वरियाणा की सारी गाड़ी यहाँ पे दिख रही हैं। अब देख सकते हैं बहुत भीड़ है, क्या बताएं बहुत भीड़ है आज तो। फाइनली हम आ गए हैं बाबा के धाम में, पीछे देख रहे हैं आप और आज बहुत भीड़ है, देखो इधर भी बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। और यहाँ पे मिल रहा है प्रसाद, दो टाइप के प्रसाद मिल रहे हैं, छोटा वाला एक बड़ा वाला, छोटा बड़ा छोटा वाला 140 वाला 140 का। ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स अब क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को नहाना है, मतलब सबको नहाना है कुछ लोगों को नहीं सबको नहाना है। वैसे हम नहा के आए थे लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत हाथ तो धुल ही देंगे यात्रा करने, बहुत भीड़ है तो सोचा थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ तो क्या ही कम होगी खैर अब जो भी है। अरे यार सुनो सुनो नीचे नदी है भाई, नदी नीचे, नदी में चले नहाने के लिए बताओ। तो और आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जो कि बाबा के समर्पित है, देख सकते हैं आप। और अभी हम जा रहे हैं नदी की ओर स्नान करने, यहाँ पे शिप्रा नदी बहती है तो शिप्रा नदी जो है इसमें जाके स्नान करने की सोच रहे हैं। और मेरे मन में पहले से था कि यार शिप्रा नदी में ही स्नान करना है। और ये है साईं कुटिया, कुटिया द्वार ये भी मंदिर है करके। और यहाँ से आप देख रहे हैं डाउन जाने की, नीचे जाने की सोच रहे हैं, चलो भाई यहाँ से है यहाँ। और ये और अब हम जा रहे हैं नदी की ओर, शिप्रा नदी की ओर वहाँ पे स्नान करने, देख सकते हैं इतने लोग यार चलो। अरे भाई वो भाई पहले कौन जाएगा भाई, रास्ता बहुत खतरनाक है, रास्ता बड़ा खराब है। आराम आराम से, मैं गिर गया है ना, ये है इधर से हम जा सकते हैं ये करके। वैसे हम पहाड़ी लोग हैं, हमने बहुत ऐसा किया है, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन बहुत एडवेंचरस है, बहुत एडवेंचरस हो रहा है ये। लेकिन लोगों ने यहाँ पे धंधा फंदा किया है यार, काफ़ी लोगों ने होना नहीं चाहिए ऐसे ऐसे। शिव के लाशों के वासी धोले धारों के राजा, शंकर संकट हरणा सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह, निहचल चौर छत अत ऊंचा। चाची धाम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग, आप देख रहे कितनी प्यारी मधुन दरबार, अंत नहीं किछ। ये देखिए कैंची धाम, नीम करोड़ी बाबा आश्रम, ये बहती है शिप्रा नदी। और मैं कामना करता प्रभु से कि बाबा जी से कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। सुबह सर ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे लोगों की, देख सकते हैं। और आप एक ही देख रहे हैं नीम करोड़ी बाबा। और फाइनली बरसों बाद यहाँ पे आना हुआ और मन्नत पूरी हुई तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके यार,
सोचा था कि आना था यहाँ पर, तो फाइनली प्लान बन गया और यहाँ पे आ गए। और भैया सच में एक असीम शांति का अनुभव मिलता है यहाँ पे यार, कुछ है तो इस प्लेस में, कुछ महिमा ऐसी है, कुछ वाइब्रेशन ऐसा है कि जब यहाँ पे आप आते हो ना तो आप एक फील सा होता है कुछ, शायद वही एक वजह है कि लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, लोग आ भी रहे हैं यहाँ पे, पर आना भी चाहिए लोगों को। तो अभी ऐसे मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मैं फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो कुछ आपको मैं बता सकूँ दिखा सकूँ दिखा रहा हूँ आपको। और भीड़ इतनी ज़्यादा है ना क्योंकि आज वीक ऑफ है, संडे सैटरडे संडे होता है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम, तो मैं देख सकते हैं लाइन में लगना पड़ेगा कम से कम, देखते हैं लाइन में क्या होता है। ये है नीलकंठ बाबा की महिमा, देखो इतना सुंदर ये दृश्य है यार कसम से, मैं वैसे ही मन यहाँ पे आके ना मुग्ध हो जाता है, प्यारा ये दृश्य है। ऊपर से कतार देखो, भक्तों की कतार, दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, राजस्थान हरियाणा पंजाब दिल्ली पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, जैसे बाबा की महिमा सुनी लोगों ने सबके सब आने लगे हैं। अब चाहे स्टीव जॉब हो, मार्क जुकरबर्ग हो, अब तो सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ प्लेस हो गया है, लेकिन ये कि फिर भी लोग अब तक श्रद्धा है तो चलो अच्छी बात है आ रहे हैं यहाँ पर। देख रहे हैं यहाँ पर ये धर्मशाला है नीलकंठ बाबा का, और यहाँ पर भी लोग स्टे करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है तब जाके आपको यहाँ पर ऑफर मिलता है यहाँ आने का, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। भाई देखिए यहाँ पर इतनी भयंकर लाइन लगी है, अगर हम वीक ऑफ में नहीं आते तो अच्छा रहता, बट फाइनली हम दूसरी लाइन में जा रहे हैं। और ये देखिए नीलकंठ बाबा जी के मंदिर, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके यार, ये देखो क्राउड इतना है क्या बताएं भैया, बहुत क्राउड है भाई, बहुत ज़्यादा है क्राउड है। और चलो चलो उतार लेंगे और क्या। ये देखो दोस्तों ये है मुख्य द्वार बाबा जी का, ऊपर से पहाड़ियाँ, और यहाँ पे लोगों ने शूज उतारे, देखो तब कोई शूज रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसे ही लोगों ने उतारे यहाँ पे शूज, देखिए आप ये देखिए। तो वो फाइनली हमारे दर्शन हो गए अच्छे से, काफ़ी भीड़ थी, भी नंबर आ गया था और आप देख सकते बहुत भीड़ है, लेकिन जैसे जैसे नंबर आ गया अच्छे से हमने पूजा पाठ भी करके संपन्न कर लिया पूजा पूरी। कई लोग थे अंदर, चालीसा मिलती है आराम से, अगर आपके पास चालीसा नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हो, अच्छा नहीं कर सकता यहाँ पर मिलता है। तो बाबा जी हमारी यात्रा पूरी हुई आज संपन्न हुई और बड़े अच्छे से दर्शन हुए, चालीसा पाठ हुआ, तो अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं और आशा करते हैं कि बाबा जी की दर्शन दोबारा हमको होंगे। यहाँ पे मुझे मिला मेरे साईं बाबा का मंदिर, आप देख सकते हैं जय हो साईं बाबा की। यहाँ पे मुझे साईं बाबा का मंदिर भी मिला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो नीमकरोली बाबा जी के दर्शन के साथ साथ यहाँ पे साईं बाबा के दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे, तो दिल खुश हो गया मेरा, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मुझे पता चला कि यहाँ पे गुफा भी है शिव जी की, इधर वाह अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। और ये देखिए शिव जी की गुफा, वाओ बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ऐसे करके चलना पड़ रहा है यहाँ पे। अरे बाबा जी कृपा करो शिव शंभो, ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं पीछे से वो आई है और आगे है महादेव, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो कैलाशपति, कृपा करो परमात्मा। ये देखिए इस तरह से पत्थर के अंदर नहीं है, बहुत पौराणिक मंदिर है, इस तरह से बनाया है, देखो देख सकते हैं आप, जय हो शंभो। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा शिव कैला। और यहाँ पे मुझे मिला है बाबा जी का शिव जी का अभिषेक करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने यहाँ पे अंदर ही छोटा सा ऊपर के अंदर नल भी है और ये मैंने जल भर लिया, मैं बाबा जी चढ़ाने वाला हूँ, मतलब यार मेरे भोले बाबा भी यहाँ मिल गए, बहुत प्रसन्नता हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा शिव कैला टाइप की है, यहाँ पे आपको रूम मिलेंगे और रूम जो है प्राइस अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे बुकिंग आपको पहले करनी होती है, ये नहीं कि आप तुरंत आए तुरंत आपको मिल जाए, बुकिंग कर सकते हैं आप, रूम यहाँ पे ले सकते हैं, आप देख सकते हैं ये समझ रहे हैं कि पूरे यहाँ पे होम स्टे वगैरह है, होम स्टे वगैरह बने यहाँ पे पूरे रोड साइड पे, और उस तरफ जो है शिप्रा नदी है, ये देखिए आपको इधर पूरे होम स्टे वगैरह मिलेंगे, ज़्यादा बड़े होटल नहीं मिलेंगे, लेकिन होम स्टे बहुत लोगों ने बनाए यहाँ पे, ये है वो गुरुदेव का आश्रम। और फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे होम स्टे बने हुए हैं, सब देख रहे हैं, रूम्स अवेलेबल होम स्टे, क्या कृष्णा होम स्टे,
रूम्स अवेलेबल कैंची धाम। यहाँ पर इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप काम बात मतलब फ़ोन करके ले भी सकते हैं, बुकिंग भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह आगे कृष्णा होम स्टे कैंची धाम। कैंची धाम बाबा जी महाराज। कृष्णा होम स्टे आपका है, कब से शुरू किया आपने ये? भी सर हो रहा 1.5 साल का। 1.5 साल से। तो कितने रूम आपके पास अभी? मेरे पास अभी ज़्यादा तो नहीं है, 4-5 रूम है। नहीं नहीं, पूरे कितने रूम अभी हैं वैसे? वैसे आपके ज़्यादा नहीं, 5 रूम है। 5 कमरे हैं आपके पास? अच्छा अच्छा, तो क्या रहता है अभी इनका? इनका अलग अलग प्राइस है, जैसे ऐसा है मेरा बेड है 800 रुपये का एक बेड है, उसमें 2 लोग हो जाएंगे तो दोनों को अपने पार्टनरशिप में 400-700 पड़ जाएगा। और दूसरा मेरे पास ऐसा है फैमिली के लिए रूम भी है, जैसे मान लो आप 7 लोग 8 लोग 10 लोग उनका उनको भी एक अलग अलग 2 रूम अलग अलग रहेंगे। और डोमेट्रिक में एक मेरे पास जमीन पे बेड बनाया हुआ है, उसमें एक आदमी का हम पर हेड 300-350 रुपये लेते हैं, ज्यादा हो गए तो 50 कम दे दिया उसको, इस हिसाब से बनाया है। एक एक कम्बल तक सब कुछ देते हैं। और खाने पीने का क्या है? खाने पीने का सर अभी तो मेरे पास आदमी नहीं है, और मैं एक आध दिन में शुरू करने वाला हूँ खाने का। खाली स्टे का आपका? खाली स्टे का है, और बाकी सारी सुविधा है, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी कोई परेशानी भी नहीं। ठीक ठीक। जैसे कभी अचानक ऐसा होता है यहाँ पहाड़ का मामला, लाइट वाइट चली जाती है, हाँ। तो हम अपने कस्टमर को क्या करते हैं, गीजर का पानी, यदि गीजर बंद हो जाता है तो यहाँ से गर्म पानी करके देते हैं देते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कृष्णा होम स्टे में अगर आप आएंगे तो आपको कैसे रूम यहाँ पे मिलेंगे। इस तरह से रूम है, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी इनको दे रखी है। ये वॉशरूम वगैरह दे रखा है। सॉरी, मैं रूम देख रहा था ज़रा। ठीक है, अच्छा ये दे रखा है उन्होंने कमरा, बेड। आपका वन शेयर डबल शेयरिंग है भैया? अच्छा ये है, ठीक ठाक रूम है, वॉशरूम दे रखा साथ में। ठीक 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 है, मतलब ये हाँ ये बड़ा रूम है, इसमें आप 10-12 लोग जैसे ये रूम है सर। अच्छा ये जो फैमिली है, ये फैमिली के लिए बिल्कुल आरामदायक है। अच्छा, कोई टेंशन नहीं लेते इसमें, 10 लोग 12 लोग। अच्छा, 7-8 लोग रोज जिस हिसाब से। अच्छा, और पूरी फैसिलिटी दे रखी हम, टीवी वगैरह सब दे रहे हैं। ठीक 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 ठीक, हमारे महाराज जी या हाँ सही महाराज जी हैं। सही बात, सही बात। बाकी यहाँ का छोटा सा व्यू है, हाँ व्यू बहुत अच्छा है, देखिए आप। अब यहाँ पे ठंडा है तो इसे लाइट नहीं दी, तो इस तरह से ये लकड़ी नेचुरल तरीके से पानी गर्म कर रहे हैं। फ्रेंड कैसा लगा आपको हमारा ये आज का ब्लॉग, यानी कि कैंची धाम वाला ब्लॉग, यानी कि नीम करौली बाबा वाला ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव ग्यारह भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, और नीम करौली बाबा का आशीर्वाद आपको पक्का मिलेगा। जय हिंद बाबा नीम करौली।